wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow, and the old ways get washed out by the... जी तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ाहिद इकबाल है और आप देख रहे हैं नोमेड ज़ाहिद यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस यूट्यूब पे बना रहा होता हूँ और अभी रिसेंटली मैंने अज़रबैजान का ट्रिप कंप्लीट किया था, जिससे रिलेटेड मैंने अपनी 8 से 9 वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी थी। उस वीडियोस में मैंने बाकू, शेकी, गबाला और इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैंने शेयर की थी कि आप वहाँ का टूर कैसे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स में एंड मुझे ईमेल पे काफ़ी सारी ईमेल भी रिसीव हुई हैं कि लोग, काफ़ी सारे लोग जो है जानना चाह रहे हैं कि वीज़ा कहाँ से लेना है, कैसे अप्लाई करना है, पेमेंट कैसे करनी है, होटल कैसे बुक करना है, रेंट अ कार स्पेसिफिकली कैसे आप वहाँ पर ले सकते हैं। तो मैंने सोचा एक इससे रिलेटेड एक वीडियो बना दी जाए, ताकि अगर आप अज़रबैजान का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप उसको सही से प्लान कर सकें। ये चीज़ें मैं सारी आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखाऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको एक मैसेज ज़रूर देना चाह रहा हूँ। मेरे पास कुछ इस तरह के मैसेजेस भी आए हैं रिसेंटली कि जिसमें मेरे से पूछा गया है कि मैंने अज़रबैजान जाना है और वहाँ से मैंने रशिया जाना है, या मैंने वहाँ से टर्की जाना है, या मैंने वहाँ से जॉर्जिया जाना है। तो अगर तो आप के पास वीज़ा है तो मैं आपको बिल्कुल इसमें आपको आपके हेल्प कर सकता हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ कि आप कैसे जा सकते हैं। अगर आपके पास वीज़ा नहीं है और आप डंकी की सूरत में जाना चाह रहे हैं तो मेरे पास बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं है और ना ही मैं इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ। हाँ जी, अगर जो है वो आपके पास वीज़ा है तो मैं जाहिर सी बात है आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँगा उससे रिलेटेड, और अगर आपके क्वेश्चंस जो है ना वो वही डंकी की सूरत में है या अजाइलम सीकर की सूरत में है तो मैं आपको बिल्कुल भी उस चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, ना ही मैं इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ, ना मेरे पास इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है। तो ये एक छोटा सा मैसेज था, मेरा ख्याल है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं अज़रबैजान के टूर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पर। मैंने बहुत ही ब्रीफली 9 मेजर स्टेप्स में इसको डिवाइड कर दिया है ताकि समझने में आप लोगों को आसानी हो। वेलकम टू अज़रबैजान टूर टिप्स एंड गाइड। तो जैसा कि आप अज़रबैजान का ट्रिप प्लान करेंगे तो सबसे पहले आपको जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर होंगी वो मैं आपको 9 स्टेप में यहाँ पे इलेबोरेट कर दूँगा, ताकि आप उसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें और अपने ट्रिप को सही से प्लान कर सकें। सबसे पहले उसमें आ जाता है अज़रबैजान का वीज़ा, और अज़रबैजान का वीज़ा के बाद जो है वो आपको जो नेक्स्ट चीज़ आएगी वहाँ की, जाहिर सी बात है वीज़ा लेने के बाद फ़्लाइट टिकट्स, कि आप फ़्लाइट को कैसे अपना मैनेज कर सकते हैं, डायरेक्ट फ़्लाइट लेनी है, इनडायरेक्ट फ़्लाइट लेनी है। उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद आपको होटल या हॉस्टल, मैंने चूँकि हॉस्टल में स्टे किया था और होटल से रिलेटेड भी आपको मैं इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ, होटल आपको कैसे कहाँ से बुक करना है। फिर वहाँ पर लोकल एक्सप्लोर करने के लिए आपके पास ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड क्या ऑप्शंस होंगे, आप मेट्रो कैसे यूज़ कर सकते हैं, टैक्सी कैसे यूज़ कर सकते हैं, फिर अज़रबैजान की करेंसी कौन सी है एंड उसके बाद आप उस करेंसी को वहाँ पर कैसे लेके जा सकते हैं पाकिस्तान या इंडिया से। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्लेसेस टू विज़िट, कौन कौन सी जगह आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए और कौन सी जगहों पर जाना ज़रूरी नहीं है। फूड एक उसमें मेजर पार्ट है आपके ट्रिप का, आपको फूड कौन सा, कहाँ पे, किस तरह का और कितने का मिलेगा, ये आपको इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दूँगा, और एंड पे मैं आपको फिर बताऊँगा कि आप अज़रबैजान का टूर कितने बजट में प्लान कर सकते हैं।
और एंड पे जो है वो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि आपको ट्रैवल करने से पहले मालूम होनी चाहिए वो मैं बिल्कुल इस वीडियो के एंड में आपको एक कम्प्लीटली बता दूंगा। अज़रबैजान के वीज़ा पे आते हैं तो वीज़ा बेसिकली दो किस्म के होते हैं, एक तो स्टिकर वीज़ा होता है एंड द अदर वन इज़ ई वीज़ा। तो नॉर्मली स्टिकर वीज़ा आप एम्बेसी से ले सकते हैं और ई वीज़ा आप अज़रबैजान की ई वीज़ा वेबसाइट है वहाँ से जाकर भी परचेज कर सकते हैं। तो ई वीज़ा वेबसाइट जो है वो evisa.gov.az है और वो देखने में कुछ इस तरह से है। आप यहाँ पर जाएं, अपने एप्लीकेशन फिल करें, पेमेंट करें और अपना वीज़ा परचेज कर लें। तो ये एक बहुत ही ईजी सा स्टेप है ई वीज़ा लेने के लिए। बेसिकली दो तरीक़ों से आपको अज़रबैजान का वीज़ा मिल जाता है। मैं ई वीज़ा की बात कर रहा हूँ, एक होता है अर्जेंट ई वीज़ा और द अदर वन इज़ स्टैंडर्ड ई वीज़ा। अर्जेंट ई वीज़ा आपको जो है वो 3 घंटे में मिल सकता है एंड स्टैंडर्ड वीज़ा आपको 3 दिन में आपके ईमेल पे रिसीव हो जाएगा। अर्जेंट वीज़ा की जो कॉस्ट है वो आपको पड़ेगी $61 और आपको ये 3 घंटे के अंदर अंदर आप जैसे ही एप्लीकेशन फिल करेंगे, पेमेंट करेंगे, 3 घंटे में आपको मिल जाएगा। जबकि जो स्टैंडर्ड ई वीज़ा है उसकी कॉस्ट है $26 और ये आपको 3 दिन के अंदर जैसे ही आप एप्लीकेशन फिल करेंगे, पेमेंट करेंगे और 3 दिन में आपको ये रिसीव हो जाएगा। ई वीज़ा लेने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपको अभी स्क्रीन पे वो सारी नज़र आ रही होंगी। एक तो आपके पास नंबर वन होना चाहिए 6 मंथ वैलिड पासपोर्ट, जो कि नॉर्मली हर कंट्री का यही एक रिक्वायरमेंट, मेजर रिक्वायरमेंट होती है। और उस पासपोर्ट के आपके फर्स्ट पेज की एक साफ़ सुथरी अच्छी स्कैन कॉपी आपके पास कंप्यूटर में मौजूद होना ज़रूरी है। इसका मेन प्रोसेस क्या है, आपने ई वीज़ा की वेबसाइट पर जाना है www.evisa.gov.az। वहाँ पर आपने एप्लीकेशन फिल करनी है, उधर अपना सर नेम लिखना है, गिवन नेम जो कि आपका फर्स्ट नेम होगा वो लिखना है। देन उसके बाद आपको जो नेक्स्ट चीज़ उसमें देनी है वो आपका टाइप ऑफ वीज़ा आपने सिलेक्ट करना है कि आपने बिजनेस के लिए जाना है, टूरिज़म के लिए जाना है या एजुकेशन के लिए जाना है। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली टूरिज्म से रिलेटेड कर रहे हैं तो हम टूरिज्म को ही लेकर चलेंगे। तो आपने डेट ऑफ बर्थ, वहाँ पे आपने कैलेंडर बना होगा, आपने उसमें आपने डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। उसके बाद अपना प्लेस ऑफ बर्थ क्या है आपका, वो आपने एंटर करना है। देन उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ में आपने जस्ट पाकिस्तान लिखना है, कोई आपको सिटी की लिखने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल नंबर आपने अपना वहाँ पे एंटर करना है, अपना पर्सनल मोबाइल नंबर कर दें या किसी फादर का कर दें। फिर उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस, ये बहुत ही गौर से आपने करेक्ट डालना है क्योंकि आपको जो ई वीज़ा रिसीव होगा वो रिसीव उसी ईमेल पे होगा। अगर तो आपका ईमेल गलत होगा तो आपको वीज़ा रिसीव नहीं होगा। पासपोर्ट नंबर आपको डालना पड़ेगा, उसमें पासपोर्ट की इशू डेट क्या होगी आपकी, वो आपको आपके पासपोर्ट के फर्स्ट पेज पे मिल जाएगी। एंड देन पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट क्या होगी वो भी आपको आपके पासपोर्ट के फर्स्ट पेज पे मिल जाएगी। फिर उसके बाद जैसे ही आप ये सारी चीज़ें एंटर कर देंगे उस एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आपको वहाँ का एड्रेस आपसे पूछा जाएगा। वो आप booking.com से कोई भी होटल उठाएं और उसका एड्रेस लें और उसमें आप पुट अप कर दें तो वो चल जाता है। मैंने भी ऐसे ही अपने हॉस्टल का एड्रेस डाला था। अपने पासपोर्ट का जो स्कैन कॉपी होगी फर्स्ट पेज की वो आपने अपलोड करनी है और ये कोशिश करनी है कि ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको इस तरह का एक ईमेल रिसीव होगी, उस ईमेल के बिल्कुल एंड पे ग्रीन कलर का अप्रूव का बटन आपको नज़र आ रहा होगा। आपने उस अप्रूव के बटन पर जाके क्लिक करना है। ये बेसिकली आपके ईमेल की वेरिफिकेशन हो रही होती है, तो वो आप वेरीफाई कर देंगे, अप्रूव कर देंगे, तो आप देन मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स ई वीज़ा पेमेंट प्रोसेस पे।
तो आपकी ई वीज़ा की पेमेंट जो है, अगर तो आपने अर्जेंट किया होगा तो $61 और अगर आपने स्टैंडर्ड किया होगा तो $26 आप अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं और उसकी कंफर्मेशन की ईमेल आपको आपको रिसीव हो जाएगी आपके इनबॉक्स में। और वो जैसे ही आपका वीज़ा 3 दिन या 3 घंटे के बाद अप्रूव हो जाएगा तो वो आपके ईमेल पे योर वीज़ा इज रेडी के नाम से ईमेल आएगी, तो आपको उसमें वीज़ा अटैच होगा। तो आपको वीज़ा कुछ अजरबैजान का ई वीज़ा देखने में इस तरह का है, तो आप उसको डाउनलोड करें और अपना सफ़र, अपना ट्रैवल प्लान करें। तो जैसे ही आपको जब ई वीज़ा रिसीव हो जाए तो आपने अपना ट्रिप प्लान करना स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले जो आपके पास चीज़ आएगी वो आएगी फ़्लाइट का टिकट, जो आपने कि फ़्लाइट आपको कौन सी बुक करनी है, आया कि वो डायरेक्ट फ़्लाइट है या वो कनेक्टिंग फ़्लाइट है, तो वो आप कैसे बुक कर सकते हैं। पहले ऑप्शन में आपको डायरेक्ट फ़्लाइट का ऑप्शन बता दूंगा, फिर आपको मैं इनडायरेक्ट फ़्लाइट का भी एक 2-3 ऑप्शन हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है वो उसके आपके पास तकरीबन 5 ऑप्शंस होते हैं। फ़्लाई दुबई है, एमिरेट्स है, कतर एयरवेज़ है, एयर अरेबिया है एंड टर्किश एयरलाइन है। तो अगर तो आप कनेक्टिंग फ़्लाइट आपको चीप नज़र आ रही है कहीं पे, तो आप वो ये वाली फ़्लाइट्स लेकर अपना अजरबैजान का ट्रिप कर सकते हैं। अगर आपको टाइम बचाना है और आप चाह रहे हैं कि आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट या लेओवर का वेट नहीं करना, तो आप डायरेक्ट फ़्लाइट ले सकते हैं। पाकिस्तान से कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से PIA की फ़्लाइट डायरेक्ट जाती है, जो कि 4.5 से 4.75 घंटे में आपको बाकू में पहुंचा देगी किसी भी शहर से। तो कराची वाला ऑप्शन में आपको कितने का पड़ेगा और कौन कौन से दिनों में फ़्लाइट जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ। लाहौर से ऑप्शन आपको कितने का टिकट आपको कितने का पड़ेगा और कौन कौन से डेज़ में फ़्लाइट डायरेक्ट जाती है। सेम इसी तरह आपको इस्लामाबाद से टिकट कितने का पड़ेगा और कौन कौन से दिनों में फ़्लाइट जाती है, क्योंकि इन दिनों से भी डेली फ़्लाइट नहीं जाती है, सिर्फ वीकली एक डायरेक्ट फ़्लाइट होती है। तो ये जो आपको अभी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं ये फ़्लाइट का स्केड्यूल है कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से। तो आप इसको नोट डाउन करें और इसी डेज़ में जाकर आप PIA की वेबसाइट पर जाकर इन फ़्लाइट को सर्च करें और देन उसके बाद आप बुक कर लें। PK145 जो है वो कराची से है, PK160 इस्लामाबाद लाहौर से है और PK156 इस्लामाबाद से है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप कनेक्टिंग फ़्लाइट भी ले सकते हैं, जो कि कतर एयरवेज़, एयर अरेबिया, फ़्लाई दुबई, टर्किश एयरलाइन की है, तो वो भी आप उनकी वेबसाइट से जाकर बुक कर सकते हैं या आप किसी भी अपने ट्रैवल एजेंट से ले सकते हैं। उसके बाद जो एक मेजर चीज़ है वो है ओके टू बोर्ड। चूँकि आपका ई वीज़ा है तो आपको ई वीज़ा पे ट्रैवल करने के लिए ओके टू बोर्ड एयरलाइन से करवाना बहुत ही ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आप वो नहीं करेंगे तो जिस दिन आपकी फ़्लाइट होगी फ़्लाइट के टाइम पर आपकी बोर्डिंग डिनाई हो सकती है और इसके 99% चांसेस हैं। तो बेहतर है कि जहाँ से आप टिकट परचेज करें आप उनसे ओके टू बोर्ड की स्टैम्प ज़रूर लगवाएं और सिस्टम में ओके टू बोर्ड ज़रूर करवाएं। ओके टू बोर्ड के बाद जो है वो आपका जो थर्ड मेजर स्टेप है वो है होटल बुकिंग, हॉस्टल्स। वो आप booking.com से बुक कर सकते हैं, वो आप Agoda से बुक कर सकते हैं, आप डायरेक्ट वहाँ से होटल की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट में लोकल बस ट्रैवल और बस ट्रैवल आ जाता है और मेट्रो आ जाता है। लोकल बस और आपको इन सब के लिए, इन सब में ट्रैवल करने के लिए अजरबैजान की करेंसी रिक्वायर होगी और आपके पास बाकू कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। और वो बाकू कार्ड आपको एयरपोर्ट से ही मिल जाएगा, वहीं बाकू एयरपोर्ट पर जब आप लैंड करेंगे बाकू कार्ड आपको वहीं से मिल जाएगा, जिसकी 2 मनात जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 200 से 250 रुपये बनते हैं उतने इसके चार्जेस हैं, आप पे करेंगे वहाँ पर आपको बाकू कार्ड मिल जाएगा। लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए आपके पास ऑप्शन है बस का, मेट्रो का। वहाँ पे मेट्रो सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है और उसको डेफिनेटली उसको जो है ना वो एक एक्सपीरियंस करना चाहिए।
फिर उसके बाद ऊबर, आप ऊबर बुक कर सकते हैं सेम लाइक पाकिस्तान या इंडिया में जैसे आप करते हैं। फिर अगर आप थोड़ा सा लग्जरी ट्रैवल करना चाह रहे हैं और आपको हैसल नहीं करना इन सब का, तो आप रेंट अ कार भी बुक कर सकते हैं और उसको सेल्फ ड्राइव पे आप बुक कर सकते हैं। तो अगर तो आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए ट्रेन्स भी ऑप्शन है। और अगर आप वहाँ से काजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो आपको वहाँ से फेरी भी मिल जाएगी। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन फ़िलहाल बाकू अजरबैजान में बंद है ड्यू टू कोविड, जबकि फेरी का इंफॉर्मेशन मेरे पास अभी अपडेटेड नहीं आई है। मैंने भी एक दो जगहों से मालूम किया हुआ है, अभी तक मेरा ख्याल है कि वो भी बंद है। अगर रेंट अ कार वाले ऑप्शन पर आप जाते हैं तो रेंट अ कार आप डेफिनेटली आप सेल्फ ड्राइव के लिए ले सकते हैं। उसके लिए आपके पास आपका वीज़ा होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, ड्राइविंग पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा और डिपॉजिट मनी होनी चाहिए जो कि हार्डली आपको $100 चाहिए होगी। और वो जैसे ही आप ट्रिप अपना एंड करके गाड़ी वापस करेंगे तो आपको $100 वापस मिल जाएंगे। करेंसी के ऑप्शन पे आ जाते हैं। अजरबैजान की करेंसी है मनात और एक मनात जो है वो पाकिस्तानी 125 रुपए के इक्वल है और अराउंड 1.70 $ के इक्वल है। तो आप करेंसी कैसे लेकर जा सकते हैं, आप $ ले जाएं, आप यूरो ले जाएं, आप वहाँ पर जाकर उसको कन्वर्ट करवा लें, आप अपना क्रेडिट कार्ड वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और वहाँ से अपना डेबिट कार्ड यूज़ करके ATM से भी कैश निकलवा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड यूज़ करने के लिए आप ये ज़रूरी है कि आप अपने बैंक से ट्रैवल करने से पहले अपने बैंक से कॉल करके अपना क्रेडिट और डेबिट कार्ड एक्टिव करवाएं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए, अदरवाइज वो वहाँ पे नहीं चलेगा। और अगर आप उसको एक्टिव करवा लेते हैं तो आप इसको आप यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे ATMs पे, आप किसी भी पॉइंट ऑफ सेल पे POS जिसको बोलते हैं वो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एक मेजर चीज़ पे कि आप अजरबैजान पहुंच गए, अब आपको वहाँ पर विज़िट क्या करना है, कौन कौन से वहाँ के सिटीज़ हैं जो एक्सप्लोर करने चाहिए, कौन सी जगहों पर नहीं जाना चाहिए। नंबर वन तो सबसे एक मेन जो सिटी है वो बाकू है जो कि अजरबैजान का कैपिटल सिटी भी है। नॉर्मली पाकिस्तान में तो ज़्यादातर लोग अजरबैजान नहीं जानते, वो सिर्फ बाकू को ही जानते हैं। बाकू के बाद दूसरा जो सिटी आ जाता है वो आ जाता है गवाला, जो कि बहुत ही एक ग्रीन माउंटेन में घिरा हुआ एक सिटी है। और उसके बाद अगर आप टूवर्ड्स जॉर्जिया ट्रैवल करेंगे एक दो घंटे की ड्राइव पर आपको शैकी सिटी मिल जाएगा, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक अगर आप रशिया की बॉर्डर की साइड पर ट्रैवल करेंगे तो कुबा एक सिटी है, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब इन सिटीज़ में आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन सी जगहें एक्सप्लोर करने वाली हैं। बाकू में निज़ामी स्ट्रीट है, साहिल वाला एरिया है, कारपेट म्यूज़ियम है, फ्लेम टावर है, हाईलैंड पार्क है, उसके बाद जनार दाग है। ये कुछ जगहें हैं बाकू में मस्ट विज़िट प्लेसेस हैं, आप ज़रूर जाएं और इस जगह को इंजॉय करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं गवाला सिटी पे। गवाला में केबल कार काफ़ी फेमस है, आपको केबल कार एक्सपीरियंस करना चाहिए वहाँ का। गवाला टाउन इटसेल्फ बहुत ही खूबसूरत है, वहाँ पर वॉक करें, बहुत ही ज़बरदस्त है, आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा। और फिर उसके बाद वहाँ का कांग्रेस हॉल है, बहुत ही ज़बरदस्त एक लोकेशन है फोटोग्राफी के लिए। फिर उसके बाद सेवन यदीन वाटरफॉल है, वो वाटरफॉल गवाला से कोई तकरीबन 20 किलोमीटर की ड्राइव पे आप जाकर वो देख सकते हैं। नहूर लेक है, वो देख सकते हैं। फिर आ जाते हैं शैकी पे। शैकी टाउन जो है वो गवाला टाउन से तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव पे है और बाकू से तकरीबन 8 घंटे की ड्राइव पे है। शैकी में आपको खान्स पैलेस है देखने की जगह एक, फिर आर्ट म्यूज़ियम है, फिर अलबानिया मॉस्क है, फिर शैकी बाज़ार है, एक बहुत ही डिफरेंट किस्म का बाज़ार है ये। फिर कुबा, अगर आप स्की का शौक़ रखते हैं और आपके पास थोड़ा सा बजट है, और चूँकि कुबा रिज़ॉर्ट एक काफ़ी एक्सपेंसिव रिज़ॉर्ट है,
यहाँ पर जाएँ, स्की अगर विंटर में जा रहे हैं तो स्की ज़रूर करें और शादाग रिजॉर्ट पे स्टे करें, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहेगा आपका। ये सबसे अहम चीज़ है जो आप सबको नोट करनी है, बाकू का ट्रिप स्टार्ट करने से पहले आपको इन चीज़ों को ज़रूर इनको कंप्लीट करना है, ताकि जो है वो इमिग्रेशन के टाइम पर आपसे कोई भी क्वेश्चन होता है तो आपके पास उसके आंसर होने चाहिए। और आपको वहाँ पर जाकर कुछ इसमें इस तरह की टिप्स भी हैं जिसमें आपको वहाँ पर जाकर बहुत सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं, और आपको क्या क्या चीज़ें अपना ट्रिप करने के लिए रिक्वायर होंगी। सो गाइज, ये थी अज़रबैजान टूर टिप्स एंड गाइड। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कुछ भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, आप मुझे कमेंट में लिखें, मेरा ईमेल एड्रेस आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, मुझे ईमेल करें, मैं इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस का आंसर कर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।